हमारा टारगेट, हमारा टारगेट ये है जो ये खड़ा है ना विशाल, हम चाहते हैं ये 3 महीने में ऐसा हो जाए। Thank you.
सिंगल एंड डबल वन और आप डबल डाइस कमान ये अपनी कौन सी मसल्स के लिए मेन फोकस करेगा ये जो लोअर बैक है अच्छा ये लोअर बैक अच्छा अच्छा हाँ अपर लोअर बैक दोनों काम अच्छा अच्छा रिवर्स ग्रिप के साथ में हाँ ग्रिप वाइड रखेंगे इसमें
पास बहुत अच्छा नीचे स्ट्रिच करा के स्लो डाउन स्ट्रिच स्लो बहुत बढ़िया बाइट आगे और थोड़ा बैक को साथ में चलो और बैक पे काम करेगा कमर डाउन बहुत बढ़िया नाइस स्लो कमर डाउन स्ट्रेच स्लो अप डाउन कमर बहुत कमर डाउन बंदे बहुत मेहनती है मेहनत अच्छी करते हैं डाइट अच्छी करते हैं और नाम बहुत अच्छी सुनो तो हमारे लेट पुल डाउन रिवर्स कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन स्टडी में ये हमारे अरविंद भैया नाइस बॉडी अच्छी बॉडी बना रखी है चेस्ट वगैरह बाइसेप्स वगैरह माशाल्लाह टारगेट ये है जो ये खड़े है ना विशाल हम चाहते हैं ये तीन महीने में ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ करेंगे पूरी कोशिश करेंगे कर देंगे भैया को फोर एक्सरसाइज है बैट ओवर अपर बॉडी बैट ओवर ओके साथ में लगाइए बताओ तुम्हें ये ग्रिप होगी अच्छी स्लो स्लो स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच स्लो डाउन अप स्लो अप स्ट्रेच ओके आयो आज जैसा मेरा बैक का वर्कआउट हुआ है ना मैंने काफ़ी बार दो तीन बार जिम करके छोड़ दिया लेकिन आज जो फील आया है मसल टू बॉडी ब्रेन कॉन्टेक्ट हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ मतलब दिख रहा है कि पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बाद क्या डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल ट्रेनिंग से तो सही में काफ़ी फील हो रहा है पीछे के हाँ मैंने कुछ पीछे के मसल्स की कोई एक्सरसाइज लगाई है जो पंप अपने यहाँ पे आता है वो पंप ऐसे फील होता है पर्टिकुलर मसल्स को एक्टिवेट करना जरूरी है वो एक्टिवेट होते हुए फील हो रही है काफी सही जा रहा है ओके चलो बढ़िया काफी भैया हमारे इतने सर है मुझे भी बहुत अच्छा लगा ठीक है अगली एक्सरसाइज लेट पुल डाउन चलो नहीं ये कौन सी एक्सरसाइज है टी बार है नहीं तो हां टी बार टी बार है ना हां ये डालो इसको नहीं है वेट ज्यादा ले वेट कम लो एक्सरसाइज सही लगनी चाहिए फॉर्म मैटर हां फॉर्म सही लगनी चाहिए ये नहीं कि वेट ले लो वो सारा ऐसे लगा लिया सही है एकदम बिल्कुल गलत है वो गलत है हां ठीक अब बैठो बहुत अच्छा कीप गोइंग कम डाउन अप स्लो लेट्स स्विच करो बोलो ये को स्विच करो स्लो बहुत अच्छा ये रेपिटेशन होगी 15 12 10 रेपिटेशन स्लो लेट्स स्विच करो कम ऑन बहुत अच्छा
बढ़िया अच्छा लगे ऐसे मैंने पहले लगाई हुई है ये सही फॉर्म में नहीं लगा रहे अभी सही में लगा रहे तो उनको बहुत हार्ड लग रही है जब अपन एग्जैक्ट फॉर्म करेक्ट करते हैं ना तब पता लगता है असली पेन तब होता है पेन अगर पेन नहीं हो रहा ना तो मतलब समझ लेना आपका फॉर्म गलत है ठीक है चलो मोहित भैया के बारे में बोलते हैं कैसे लगते हैं उनको अब पैर ऊपर चेस्ट ऊपर ऊपर चेस्ट अब सो और बता दें ये डेडलिफ्टिंग मोर विशाल दोनों ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं दोनों की डेडलिफ्टिंग फर्स्ट टाइम है हाँ ना भाई साहब मेरे तो पहली बार नहीं है तूने कर रखी है पहले तो कौन सा तीर मारा ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर अच्छा चलो हाँ हाँ इसको थोड़ा एक्सपीरियंस है ये अभी थोड़ा सीनियर है मेरे से लेकिन देखने वाला लगता हूँ जब उठाए ना तो सांस को रोक के ठीक है कमर एकदम सीधी होनी चाहिए ठीक है बैंड नहीं होनी चाहिए कमर कमर एकदम टाइट सीधी और आधा एकदम चेस्ट बाहर स्लो डाउन कमर सीधी स्लो डाउन ठीक है इससे दूर करना कभी तो आपकी कमर पेन हो सकता है कमर एकदम सीधी होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए सांस को उठा देना जब वजन वेट लिफ्टिंग करते ना तो सांस को रोक के अब सांस रोकना है सांस अच्छा अच्छा ठीक है ना हाँ ओके और थोड़ा पैरों की पोजीशन बता दो हाँ विशाल वाइड अच्छा बहुत अच्छे चेस्ट को बाहर स्लो डाउन अप बहुत बढ़िया स्लो नाइस एंड स्लो कम ऑन अप बहुत बढ़िया एकदम सही लगा रही है स्लो डाउन बहुत बढ़िया स्लो चेस्ट को बाहर स्लो डाउन कम ऑन बहुत अच्छे बाहर जाते रहे इंसान छोड़ सकते हो इस टाइम टेन हो गए सर गुड 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 फर्स्ट डे है ये डेडलिफ्टिंग का तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया माफ करना भाई तो अभी तो मेरे बैक में पेन हो रहा है हिप्स का तो पता नहीं मेरे को लेकिन ठीक है कल थोड़ा पेन हुआ ज्यादा तो ऐसे नहीं भाई कमर दुख रही है यार आज नहीं जाऊंगा जिम ऐसे ना, 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 वो नहीं करता मिस नहीं करना है पेन कितना भी हो आपको मैं साथ में से नहीं मिलूंगा चल झूठा हमारा बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं छह सेट किए हैं बैक में तो कैसे लगा भैया सब ये मेरा बेस्ट बैक वर्कआउट था आज तक का जब से मैंने जिम ज्वाइन किया जितने भी बार किया आज मेरा बेस्ट था बहुत बढ़िया बहुत वाइट किया मेरा भी तगड़ा एक्सपीरियंस था पहली बार ऐसे फील हो रहा है पहले मिसाल ने पहले एक्सरसाइज की हुई है पहले मैंने काफ़ी बार की हुई है बहुत अलग अलग जगह भी की हुई है बीकानेर की है अपने सरदार शहर में की है लेकिन आज जैसा मुझे रेस्पॉन्स मिला है फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो वाइट की ये फर्स्ट जिम है ना हमारी ये पहली वीडियो है उनको लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब और
अच्छे से करो भाई, सपोर्ट करो। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे ना तो अगली एक्सरसाइज इससे बेस्ट एक्सरसाइज लाऊंगा आपको, ठीक है? इसमें जो देख रहे हैं ना सबको सीखने को मिल रहा है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज कैसे लगानी है, कितने रैप्स उसके करने हैं और मतलब कौन सा फॉर्म है। तो आप चाहो तो आप इसको देख के सीख भी सकते हो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ऐसे नहीं कि सिर्फ देख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और आप भी आओ हमारे साथ लगाओ, मजे हम तो आप बढ़िया भाई भाई सब लगाएंगे। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे हमें तो हम मोटिवेशन होंगे, आप अच्छी और वर्कआउट आपको बताएंगे, और अच्छी वर्कआउट बताएंगे हमें। तो आप फुल सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है। थैंक यू। अभी तो अपनी जर्नी की शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो ये बात है, खास बात ये है ना कि आप सभी को वीडियो में वो देखने को मिल रहा है जो एक पर्सनल ट्रेनिंग में देखने को मिलता है। नॉर्मल कैजुअल ऐसे नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया 1000 रुपये दे के तो उसमें ये सब सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक अच्छी खासी फीस मैंने अपने ट्रेनर को पे की है, मोहित ने पे की है, उसके बाद हमें ये ट्रीटमेंट मिल रहा है जो अभी हम गेन करें और वो आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप बस एटलीस्ट हमें सपोर्ट करें और आइए बिल्कुल विजिट कीजिए जिनको भी है ना, जिम आपको बता ही दिया कहाँ पे है और इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डाइट के लिए, वर्कआउट प्लान के लिए हर पूरा सपोर्ट करते हैं। जो भी आपको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। मेरी आईडी है आई एम सोहेल नाम से इंस्टाग्राम पे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वेट गेन करना है, इंक्रीज करना, लॉस करना, जो भी है मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। होप सो आप सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।